गरियाबंद के सिटी कोतवाली पुलिस थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें होली पर्व शांतिपूर्वक सद्भाव के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे नगाड़ा नहीं बजाए जाएंगे। शराब पीकर तीन सवारी के साथ कोई भी वाहन नहीं चलाएगा। होलिका दहन निश्चित पंचांग समय के अनुसार किया जाएगा। आचार संहिता रमजान साथ में होने के कारण विशेष सावधानी बरती जाएगी। और साथ ही बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रशासन से त्योहार के मौके पर पानी, बिजली, अस्पताल में डॉक्टर की मांग की। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। 24-25 तारीख को होली का पर्व है और अभी आचार संहिता भी लगी हुई है और रमजान का पर्व भी चल रहा है, तो आपस में सभी लोग ये क्या क्या चीज़ों का अपन ध्यान देना है कि हमारा जो होली का पर्व जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मना सके। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उन सारी चीज़ों पर चर्चा की जाए और क्या होगा। पुलिस होली का अभी चूँकि आचार संहिता लगी है और अभी तक भी ऊपर से ऐसा वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई अभी मैसेज नहीं आया कि पुलिस को क्या करना है उसमें। पुलिस होली में पहले भी मीटिंग हो चुकी है उसमें, तो उस संबंध में हमें चर्चा ये की गई कि हमारे जो ऐसे जगह संवेदनशील जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर हमें पेट्रोलिंग और जो फिक्स पॉइंट टिकट्स वहाँ पर बढ़ाए जाएँ और ऐसे जो भी आसपास के जो गुंडा बदमाश टाइप के लोग, लिस्टेड लोग, उस पर अपन नज़र रख रहे हैं।